हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरन सर क्लासेस। और आज आपके लिए शॉर्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में लेकर आया हूँ इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विस्टास के लेसन नंबर 7 से, रिटन बाय कॉलिन डेक्स्टर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, अगर हम बात करें इवांस के बारे में तो वो कैसा था, एंड व्हाट वर द प्रिकॉशंस टेकन फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन अच्छे ढंग से उसके लिए क्या क्या जो है तैयारियाँ की गई थी। तो दो इवांस हैड द रेपुटेशन ऑफ ब्रेकिंग आउट ऑफ जेल्स, ही हैड हिज एंडियरिंग साइड। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं, चाहे वो जेल तोड़ के भी भागा हुआ था कई बार, लेकिन उसकी एक लविंग साइड भी थी, विच वॉज नोटिस बाय द स्टाफ। ही वॉज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन क्रिसमस प्लेज एंड वॉज गुड एट इमिटेटिंग पीपल, लोगों की नकल अच्छी कर लेता था, क्रिसमस प्लेज में पार्टिसिपेट करता था, बट वॉज नॉट नोन टू द वायलेंस। लेकिन उसने कभी वॉयलेंस यानी हिंसा नहीं की थी। एंड ऑल द सिक्योरिटी मेजर्स हैड बीन टेकन टू इंश्योर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, द सेल वॉज फ्री ऑफ एनीथिंग दैट कुड बी यूज्ड एज ए वेपन द नाइट बिफोर। अब देखिए, एग्जामिनेशन के नाइट से पहले ही उसके जो सेल में से यानी रूम में से, जो जेल का रूम था, हर कोई ऐसी चीज़ वहाँ से उठा ली गई थी जो वो किसी को हार्म करने के लिए यूज़ कर सकता था। Evans had been relieved of his nail scissors and his nail file much earlier. और उसको जो है काफ़ी टाइम पहले ही उसके रूम में से नेल सीजर, नेल फाइल सब हटा ली गई थी, एंड वुड बी रिलीव्ड ऑफ द रेजर एज सुन एज ही हैड फिनिश्ड शेविंग दैट मॉर्निंग ऑफ द एग्ज़ाम। और उस एग्ज़ाम की मॉर्निंग में ही जो है उसके रेजर भी उससे ले लिया जाएगा, यानी सब कुछ जो है तैयारियाँ बहुत अच्छे से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 हम बात करें, विल द एग्ज़ाम गो नाउ एज स्केड्यूल्ड, क्या एग्ज़ाम उसी अकॉर्डिंग चलेगा जैसा कि प्लान आउट किया था। सो इवांस इज़ वेरी क्लेवर, द गवर्नर फियर्स दैट इवांस मे ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द जेल। और गवर्नर को पूरा डाउट था इवांस जेल से भागने की कोशिश कर सकता है, एंड ही मे ओवर पावर द इन्विजिलेटर, सो ही टेक्स एवरी पॉसिबल प्रिकॉशन। ही ऑर्डर्स जैक्सन अ सीनियर प्रिजन ऑफिसर टू सर्च इवांस सेल थोरोली, कहते हैं इवांस के सेल को यानी रूम को, जेल के रूम को बड़े अच्छे से सर्च करना, एंड आफ्टर दीज प्रिकॉशंस द एग्जामिनेशन विल गो ऑन एज स्केड्यूल्ड। उसके बाद जो है जो प्लानिंग है उसी के अकॉर्डिंग पेपर कंडक्ट किया जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखें, डिड द गवर्नर एंड हिज स्टाफ फाइनली हीव ए साई ऑफ रिलीफ, क्या उनको चैन की सांस मिली, रिलैक्स हुए वो। एंड दो ऑल द प्रिकॉशंस हैड बीन टेकन टू एंश्योर दैट इवांस कुड नॉट यूज़ एग्जाम्स एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एन एस्केप, ही डिड जस्ट दैट, लेकिन उसने वैसे ही किया। जैसे क्या होता है, जो पार्सन क्या होता है, प्रीस्ट यानी जो इन्विजिलेटर है, हैड बीन सीन आउटसाइड द प्रिजन ऑफिसर सॉ दैट देयर वॉज एन इंजर्ड मैन इन इवांस सेल। तो प्रिजन ऑफिसर ने देखा कि एक इंजर्ड आदमी है इवांस के रूम में, एंड आफ्टर दैट ऑल हेल ब्रोक लूज, नॉट गिविंग द गवर्नर द चांस टू हीव ए साई ऑफ रिलीफ। और गवर्नर को 1% भी चांस नहीं मिलना, चैन की सांस लेने का नहीं मिला उसे। क्वेश्चन नंबर 5 अगर नेक्स्ट देखें वो है, विल द इंजर्ड मक्लीरी बी एबल टू हेल्प द प्रिजन ऑफिसर्स ट्रैक इवांस, क्या वो इवांस को ट्रैक करने में ऑफिसर्स की हेल्प करेगा। सो मक्लीरी इज़ फाउंड इंजर्ड, मक्लीरी इंजर्ड था, एंड इट अपीयर्स दैट इवांस हैज़ इंजर्ड हिम एंड एस्केप्ड। और ऐसा सभी को लग रहा था कि शायद इवांस ने उसे इंजर्ड किया है और वो बच के निकल चुका था। सो मक्लीरी शोज दैट द क्वेश्चन पेपर टू द गवर्नर, अ फोटोकॉपीड शीट इज़ पेस्टेड ऑन द लास्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, एक फोटोकॉपी शीट जो है वो क्वेश्चन पेपर के लास्ट में पेस्ट कर दी जाती है। इट इज़ प्रिंटेड इन जर्मन, ये जर्मन लैंग्वेज में थी। इट कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस फॉर इवांस टू एस्केप, और इसमें जो है इवांस को बचने की जो है इंस्ट्रक्शंस लिखी गई थी। एंड दस ही हेल्प्स द प्रिजन ऑफिसर्स, हाउएवर ही इज़ ओनली पुटिंग देम ऑन द रोंग ट्रैक। लेकिन वो तो बच्चों आपको भी पता है कि उसने जानबूझ के ऐसा किया था ऑफिसर्स को रोंग ट्रैक पर ले जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड इवांस गो, सो इवांस वॉज हैप्पी दैट ही वॉज आउट ऑफ द प्रिजन एंड ही हैड गोन टू ए होटल कॉल्ड द गोल्डन लॉयन, जो कि चिपिंग नॉर्टन में था। बट ही वॉज शॉक टू सी दैट द गवर्नर वॉज ऑलरेडी देयर, कि गवर्नर वहाँ पर पहले से ही था। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है, वट वर द गवर्नर्स मिसगिविंग्स रिगार्डिंग द एग्जाम, हाउ डिड ही पुट हिज फियर्स टू रेस्ट,
अब गवर्नर की क्या क्या जो है माइंड में डाउट थे एग्ज़ाम को लेकर, और वो कैसे जो है उन सभी डर से फ्री होता है। यानी दो द गवर्नर हैड गॉट परमिशन फॉर इवांस टू टेक द एग्ज़ाम इन हिज सेल, ही वॉज अनइजी लेस्ट इवांस शुड यूज़ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू एस्केप। तो उसने क्या किया, टू पुट हिज फियर्स टू रेस्ट ही टुक ऑल द प्रिकॉशंस टू इंश्योर दैट द एग्ज़ाम वुड बी कंडक्टेड इन वेरी सिक्योर कंडीशन। और वो आपको पता ही है बच्चों क्या क्या सिक्योर कंडीशंस हो सकती थी उसमें, जैसे कि सारी जो है डेंजर करने वाली किसी को, यानी डेंजरस थिंग्स जो हैं किसी को हार्म करने वाली उसके रूम में से हटा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड इवांस एंड हिज फ्रेंड्स इंश्योर दैट द कोस्ट वॉज क्लियर फॉर मक्लीरी टू एक्सिट द प्रिजन विदाउट एनी ट्रबल। इवांस के जो फ्रेंड्स हैं दे कॉल्ड अप द गवर्नर मेकिंग हिम बिलीव दैट दे वर कॉलिंग फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट्स ऑफिस। आपको बच्चों कहानी में याद होगा टू और थ्री टाइम जो कॉल आती है वो सिर्फ गवर्नर को मिसगाइड करने के लिए थी, उसका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए थी। एंड यहाँ पर भी ऐसा हुआ, तो उन्होंने क्या कहा दैट देयर वॉज ए रिक्वायरमेंट फॉर सम प्रिजन ऑफिसर्स एंड अ प्रिजन वैन फॉर अ रिमांड केस। द अनसस्पेक्टिंग गवर्नर फॉलोड इंस्ट्रक्शंस लीविंग द कोस्ट क्लियर फॉर मक्लीरी। तो अब उसके बाद मक्लीरी का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट इवांस हैड लेफ्ट बिहाइंड द एग्जामिनेशन पेपर ऑन पर्पस, वाई वाई नोट। क्या इवांस ने जो है पेपर वो जानबूझ के छोड़ा था? Yes, Evans had left behind the examination paper on purpose to fool the jail authorities. The information on it read that the original plan was to be followed and the parson was not to be hit too hard as he was a priest. ये सब कुछ उस एक correction slip पे लिखा हुआ था। However, all the information was untrue. बिल्कुल झूठी थी वो, irrelevant थी और सिर्फ जो है authorities को mislead करने के लिए लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द गवर्नर ट्राई टू आउटविट इवांस इन द एंड, डिड ही सक्सीड? और व्हाई डू यू थिंक दैट गवर्नर इज रेफर टू एज जस्ट अनदर गुड फॉर ए गीगल गलीबल गवर्नर? ऐसा क्यों कहा गया है कि जो किसी की बातों में बड़ी इजीली आ जाता है, तो डज ही फिट द डिस्क्रिप्शन? ऐसा क्या है उसकी डिस्क्रिप्शन बिल्कुल फिट करती है इस डायलॉग के लिए? तो इन द एंड द गवर्नर थॉट दैट ही हैड सक्सीडेड इन गेटिंग इवांस व्हेन ही फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस ऑन द करेक्शन स्लिप एंड मैनेज टू फाइंड द होटल, जो कि जहाँ पर इवांस रुका हुआ था। लेकिन ही डिड नॉट रियलाइज दैट द ऑफिसर हु हैड टेकन हिम अवे हैंडकफ्ड वॉज नॉट अ रियल ऑफिसर एंड नीदर वॉज द प्रिजन वैन। ही हैड अलाउड इवांस टू एस्केप फ्रॉम अंडर हिज नोज। तो देखिए, जो प्रिजन वैन में एक ऑफिसर आता है वो भी असली नहीं था और उसी के हैंडओवर कर दिया गया था इवांस को, उसी को, तो और वही जो है बाद में इवांस को रिलीव कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि इवांस बड़ी चालाकी से उसके कब्जे से निकल जाता है। और बच्चों एक क्वेश्चन जो है फिर से आपको बताऊंगा कि बोर्ड में अगर मिलेगा तो 99.9% ये आपको मिलेगा क्वेश्चन, कि आपको क्या लगता है कि ये जो स्टोरी है यानी बिटवीन क्राइम एंड पुनिशमेंट जो है इट इज़ मेनली ए बैटल ऑफ विट्स, की इसमें जो है जो दिमाग से काम लेगा वही जीतेगा। क्या सच में ऐसा है? क्राइम एंड पनिशमेंट की अगर बात करें तो द स्टोरी बिल्कुल इसको प्रूव करती है। द प्रिजन ऑफिसर्स वर डिटरमाइंड टू प्रिवेंट इवांस फ्रॉम एस्केपिंग एंड इन देयर ओन वे दे हैड टेकन ऑल द प्रिकॉशंस अगेंस्ट इट। आपको पता है उन्होंने अपनी सारी तैयारी बहुत अच्छे से की, बट अगर हम बात करें इवांस हैड बीन प्लानिंग हिज एस्केप एंड हैड वर्कड आउट ऑल द डिटेल्स मोस्ट मेटिकुलसली। मेटिकुलसली क्या होता है? बड़े ध्यान से। इवांस ने जो है अपना रास्ता बड़े अच्छे से बाहर का तैयार किया एंड देन द प्रिजन अथॉरिटीज मेड अ कंसर्टेड एफर्ट टू अरेस्ट हिम। लेकिन जो है ही वॉज अरेस्टेड, यानी अरेस्ट हुआ भी बट मैनेज टू एस्केप अगेन, दिस प्रूविंग दैट देयर एग्जिस्ट ए कॉन्स्टेंट बैटल ऑफ विट्स बिटवीन क्राइम एंड पनिशमेंट। तो अब बच्चों इसी के साथ मैं कहूँगा कि ये आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये यहीं पर फिनिश होते हैं और दे आर गोइंग टू बी अ ग्रेट हेल्प टू यू अगर आप इनको अच्छे से करते हैं। सो थैंक यू रियली वेरी मच फॉर वॉचिंग तरन सर क्लासेस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। हैव अ वेरी नाइस डे।